तो क्या मेरी आवाज आ रही है अगर आवाज आ रही है तो एक बार कॉमेंट बॉक्स में यस कर दो कि सर आवाज आवाज आ आ रही रही है है फटाफट फटाफट अगर तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दो कि सर आवाज आ रही है जल्दी 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 फटाफट 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 कमेंट बॉक्स में यस हो जाना चाहिए कि हाँ सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर आ रही है जल्दी 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 एक बार फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में चल जाना चाहिए कि हाँ आपकी आवाज सर एकदम क्लियर आ रही है जल्दी मुझे बताओ फिर हम स्टार्ट करते हैं फटाफट फटाफट हम फटा 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 स्टार्ट करते हैं जल्दी और 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 सब लोग वीडियो को शेयर करेंगे जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएंगे जहां जहां पहुंचा सकते हैं वहां वहां पहुंचाएंगे जहां जहां पहुंचा सकते हैं वहां वहां पहुंचाएंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक चीज दिखाता हूँ चलो आज फिर से दिखाते कुछ ये देखो कैसा दिख रहा है बोलो एक बार कैसा दिख रहा है बोलो ये देखो कैसा दिख रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में हो जाना चाहिए कैसा दिख रहा है देखो फटाफट 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 कैसा दिख रहा है ए, हो गया? ये हो गया? पता ही नहीं यार? कैसा दिख है? अरे क्लियर दिख रहा है वो नहीं पूछ रहा हूं. मतलब कैसा है मतलब क्लियर तो रहेगा बट मेहनत कैसी दिख रही है मेहनत कैसी दिख रही है ये मुझे बताओ सबसे पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ मेहनत कैसी दिख रही है ओके अब एक चीज और क्लियर कट बना बताना चाहूंगा अगर मैं फिजिक्स की ही बस बात करूं ना तो सेवन 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 आज हमारा थर्ड चैप्टर भी हो जाएगा ट्वेंटी आपका खत्म तो जिन बच्चों को डर था ना वो बस मेरे घर ये तीन चैप्टर कर ले और कॉलेज में उनको थर्टी मार्क्स में से ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट मार्क्स आराम से मिल जाएगा समझ लो नैया पार समझ में नैया पार हो गई आपकी ग्रुपिंग से भी ऊपर चले जाओगे समझ में आ रहा है तो चलो भाई फटाफट फटाफट बिना देरी के हम स्टार्ट करते क्या करके और कमेंट बॉक्स में चलना चाहिए पहले हैशटैग अपना टीएसएस चला दो क्योंकि लास्ट में <laughs> सभी के मन में डाउट है ये टीएसएस का मतलब क्या होता है तो टीएस के टीएसएस के बारे में नाम हम कब बताएंगे पता है एकदम लास्ट पेपर में एकदम लास्ट पेपर में सो गईस अगर मैं आप सभी को बताना चाहूं तो इसके अंदर आप जाके देखोगे तो छोटे मोटे जो मैं इसके अंदर ही जो मैं बाकी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जैसे बॉय स्लो चार स्लो ये सभी चीजें इसके अंदर मैंने ली है और इसके अंदर जो बाकी डेरिवेशन करवाऊंगा उसके अंदर हो जाएगा तो वही चीजें बार बार रिपीट करके को कोई मतलब नहीं है इसीलिए जो बाकी चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले वो करवा रहा हूं एक चीज आप सभी को स्टार्टिंग में ही दिल खोल के बोल देना चाहता हूं भाई और अपना कान खोल लेना मेरा ये वीडियो देखने के बाद मैंने दो घंटे का वन शॉर्ट लेक्चर भी बनाया बस एक काम करना चुपचाप जाके जिस किसी कोने में जैसे बाकी चीजें किसी कोने में चुपचाप बैठ के सुनते हो देखते हो ना वैसे आज मेरा वो दो घंटे का वीडियो है जाके उसको चुपचाप किसी कोने में किसी कोने में किसी कोपचे में जाके चुपचाप बैठ के कान में हेडफोन लगा के बस दो घंटा सुन लेना ये ये चैप्टर ना आपके लिए लप्पू हो जाएगा ये लप्पू सा चैप्टर हो जाएगा एकदम लप्पू सा हो जाएगा समझ में आ रहा है तो जो बातें मैंने बोली मेरे ख्याल से आपने ध्यान से सुन लिया होगा ये जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं ये डेरिवेशन आपको ये पूरे बुक के अंदर सबसे बड़ा डेरिवेशन यही है बाकी कुछ नहीं और दूसरी बात आज अगर आप लोगों आप लोग अगर मुझे पूरी तरह से फॉलो करते होगे तो आज दो बहुत अच्छे वीडियो इस चैनल पे मैंने डाले हैं जो मतलब भाई बस वो जीटी वाला ही कर सकते हैं और प्रदीप सर एंड राहुल सर ही कर सकते हैं वो काम आपने देखा होगा कि ये कैनेटिक मैंने शॉर्ट एकदम नोट्स एक पेज का नोट्स बना के आप सभी को दिया है साथ में चार चैप्टर के फॉर्मूले बना के दिए देखा है कि नहीं देखा मुझे नहीं लगता कि आप में से देखो जो सी, सीरियस होगा वो देखेगा जो नहीं सीरियस होगा वो एग्जाम के एग्जाम के टाइम सीरियस हो जाएगा देखो हमने तो अपना वादा पूरा किया हम तीसरे चैप्टर पे चले आ गए अगर आप तीसरे चैप्टर तक भी आपने कर लिया तो भी आपके पास होने के चांसेस बन चुके हैं क्लियर ओके तो चलो 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 फटाफट फटाफट हम स्टार्ट करते अंदर गैस रखा हुआ है वो कितना प्रेशर अप्लाई करता है और उससे इस वॉल पे कितना प्रेशर लगेगा वो मुझे फाइंड करना है वो मुझे क्या करना है फाइंड करना है तो मैं यहां कुछ चीजें हिंट दे देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा देखो सबसे पहले प्रेशर प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है और फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे आप सभी ने स्टैंडर्ड में पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम मोमेंटम माइनस इनर्शियल अपॉन ट्राइंग बस इतना आपको याद है तो आपकी बल्ले बल्ले बस यही दो चीजें हम एक बार फाइनल फाइंड करेंगे एक बार इनिशियल फाइंड करेंगे दोनों को माइनस करेंगे टी से टी की वैल्यू फाइंड करें आप जैसे ही गया यहाँ उसकी वैल्यू को रख देंगे और फाइनल हमारा पी निकल जाएगा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा फटाफट -पट कमेंट और दिमाग बिल्कुल लगा लो बिल्कुल दिमाग लगा लो चलो मैं फिर से एक बार प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया एंड जो फोर्स फाइंड करते हैं वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस फाइनल मोमेंटम इसको फाइनल मोमेंटम बोलते हैं इसको इनिशियल मोमेंटम बोलते हैं और अपॉन टाइम ये हमारा न्यूटन बाबा का न्यूटन बाबा का लॉ था अरे छोटू सा था आप सभी को पता है ओके अब चलो इसी चीज का हम काम करेंगे और काम खल्लास करेंगे चलो भाई एक बार हो जाना चाहिए प्रदीप सर की तारीफ कमेंट बॉक्स में बहुत मेहनत किया जा रहा है भाई आप सोच भी नहीं सकते हो आप लोगों के लिए तो वो पांच मिनट का वीडियो होता होगा पर हमें पता है ना क्या क्या चीजें होती है तो सबसे पहले फाइनल और इनिशियल गैस का फाइनल मोमेंटम ओके और अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का फाइन करेंगे स्पीड इसलिए हम यहां व्यू ऑफ एक्स लिख लेते हैं दूसरा ओके इनिशियल लिखा अब फाइनल लिखेंगे पार्टिकल सेम है इसलिए यहां एम के जगह एम वन एम टू नहीं लिख रहा हूं और सेम डायरेक्शन है इसलिए मैंने क्या लिखा आओ, ओके गाइस अब ध्यान दो अब ये हो गया एफ एम ऑफ एक्स और ये बस माइनस हो जाएगा क्यों माइनस हो जाएगा इनिशियल देन फाइनल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अब हम क्या करेंगे अब हमें क्या फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम ना चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम मतलब दोनों का माइनस अरे भाई दोनों का बस माइनस कर तो माइनस इनिशियल आता होगा यार ये प्लस करना है क्या है सा माइनस वन माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा अपना ये टू एम वी ऑफ एक्स तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस ये क्या हो गया माइनस टू एम कॉमेंट बॉक्स में चला दो भाई चला दो ऐसे ऐसे की तरह चलना चाहिए अब देखो गैस ने जब तूने मेरे को धक्का मारा ना तो मैं भी तेरे को धक्का मारूंगा ऐसा ही होना चाहिए समझ में ऐसे किसी को नहीं आती तो ये हो गया हमारे गैस मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम अब सेम गाइस अगर गैस ने सामने वॉल पे मोमेंटम लगाया तो सिंपल सी बात है मोमेंटम पे भी अपोजिट जो वॉल है उस पर भी अपोजिट मोमेंटम लगेगा अपोजिट मोमेंटम मतलब भाई वो अब गैस अपना जो वॉल का मोमेंटम क्या हो जाएगा वॉल का मोमेंटम जस्ट इसका उल्टा मतलब ये माइनस है तो वॉल का क्या हो जाएगा वॉल का 2m v ऑफ x ये गैस के मॉलिक्यूल्स का चेंज ऑफ मोमेंटम है और ये वॉल का मोमेंटम है ये माइनस है यहां प्लस हो गया समझ में आया अब गाइस देखो अपना मोमेंटम निकल गया मतलब ये निकल गया ये निकल गया अपने को फोर्स फाइंड करना है क्या फाइंड करना है? फोर्स तो फोर्स का फार्मूला सबसे पहले एवरेज फोर्स एक मॉलिक्यूल्स का फाइंड करेंगे एवरेज फोर्स एक मॉलिक्यूल्स का फाइंड करेंगे आप सभी को पता है हमने निकाला ना ये देखो चेंज ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया क्या आया ये आया 2m v ऑफ x अपॉन क्या है? t देखो अगला स्टेप अब भाई ये अपने को t फाइंड करना रहेगा t क्या फाइंड करना है t फाइंड करना है t t t तो t कैसे फाइंड करेंगे t का सिंपल सा फार्मूला आप सभी को पता होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ओके अब स्पीड क्या होता है ऑफ होता है क्योंकि एक्स डायरेक्शन के ही मॉलिक्यूल्स के स्पीड की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस देखो एक बार जाएगा वापस आएगा एक बार गया तो डिस्टेंस कितना एल है वापस आया तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा टूवेल्व हो जाएगा कमेंट बॉक्स में टूएल्व लगा दो टूवेल्व चिपका दो टूवेल्व चिपका दो टूएल्व तो टोटल डिस्टेंस टूवेल्व हो जाएगा और टाइम को हमने क्या लिया टी लिया है इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन तो भाई अपने कमेंट इस, बॉक्स तो में देखो भाई मैं चाहूंगा ना कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पहले अगर आंसर बताओगे तो आपका रिवीजन हो रहा है ये नीचे आ जाएगा वी ऑफ एक्स इसको दे दो सिस्टम नंबर टू अब सिस्टम नंबर टू को सिस्टम नंबर फर्स्ट में पुट कर दो तो एवरेज फोर्स ऑफ वन मॉलिक्यूल्स अपने को मिल जाएगा टू एल अपॉन ओके एक मिनट ये देखो क्या लिखा हुआ ध्यान से देखो एवरेज फोर्स क्या लिखा था टू एम वी ऑफ एक्स अपॉन टी टी की वैल्यू कितनी है अरे टी की वैल्यू इधर लिखी है देखो टू एल अपॉन वी ऑफ एक्स मेरे ख्याल से अपने सभी बच्चों को आता ही होगा आता है कि नहीं आता सिस्टम हैंग करेंगे ये टू टू कैंसिल करेंगे टू -टू कैंसिल होगा और ये वाला डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा स्क्वायर क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा एम वी स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन एल हो गया कि नहीं हो गया ये हमारे एक मॉलिक्यूल्स का एवरेज फोर्स हो गया एक मॉलिक्यूल्स का एवरेज फोर्स हो गया अब भाई

बट स्पीड क्या होगा हर मॉलिक्यूल्स का अलग अलग हम कंसिडर करेंगे मतलब पहले का of, one, का, वाले, कर वाले का वी ऑफ ये देखो वी ऑफ वन एक्स का रहे प्लस डॉ नंबर ऑफ मॉलिकल्स तो हम यह एन ऑफ एक्स लिख देंगे लिख देंगे काम खत्म काम खत्म भाई कमेंट बॉक्स में चलना चाहिए मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में चलना चाहिए ओके आप देखो कभी भी अगर अगर मुझे मीन मीन करना करना है ना? करना है है ना थैंक यू सो मच भाई आपका ही जलवा तो तो okay? अगर, 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 नमिता मुझसे बात करो हूं मुझसे बात करो तो क्या मैं मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं यार तो ये पूरे ये जितना अगर मुझ मैं अगर थ्री मैच की बात कर रहा हूं तो डिवाइडेड बाय थ्री करूंगा यहां नंबर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं तो मुझे डिवाइडेड बाय एन करना पड़ेगा पर भाई मुझे जहां मर्जी करे वहां अपने मन से कुछ थोड़ी कर सकता हूं इसीलिए इसलिए यहां डिवाइड बाय एन लिखूंगा और इस एन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहां भी एन लिखना पड़ेगा ऐसा थोड़ी कि अपने अपना मन चलता है जैसी अपनी मर्जी चलेगी वैसे करोगे देखो भाई एक चीज बोलूंगा अगर जो इधर उधर की बातें करेगा हमारी टीम उसको यहाँ से हटा देगा प्लीज मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा हम बहुत दिल से पढ़ा रहे हैं और आप लोग भी अगर दिल से पढ़ोगे और दिल से बातें करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा और जब अच्छा लगेगा तो ज्यादा मजा आएगा तो भाई ये टोटल क्या हो गया मीन हो गया ओके तो मीन को हम कैसे लिखते डायरेक्टिंग इन शॉर्ट ऐसे आपको पता ना ऐसे बार देते थे दे। हमने टेंथ स्टैंडर्ड में ऐसे मीन फाइन किया था तो इसके ऊपर बार दे देंगे और कौन से डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है क्लियर देखो इतने प्यार से बता रहे हैं देखो देखो अभी तक एवरेज फोर्स हमने फाइंड किया एवरेज फोर्स अभी यहाँ एक चीज चेंजेस और करेंगे एक चीज का चेंजेस और करेंगे हम आप सोचो ये जब ये मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ता है ना तो ये एक्स डायरेक्शन में भी जाता है वाई डायरेक्शन में भी जा एक्स डायरेक्शन में भी जा मतलब सीधे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा, रहा है मतलब एक्स डायरेक्शन में भी जाता है वाई डायरेक्शन में भी जाता है और जेड डायरेक्शन में भी जाता है जब कोई मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ता है तो एक्स डायरेक्शन में भी जाता है वाई डायरेक्शन में भी जाता है और जेड डायरेक्शन में भी जाता है तो मुझे बताओ कि अगर सेम मॉलिक्यूल से देखना चाहूं कितने बच्चे इसका देते हैं। एक है, और इधर की बढ़ रहा है मतलब, मतलब कहने का मतलब जब एक मॉलिक्यूल चलता है तो ऐसे भी चलता है और ऐसे भी चलता मतलब एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन मुझे बताओ तीनों डायरेक्शन में वो सेम की स्पीड सेम होगी कि डिफरेंट होगी अगर जिसने इसका आंसर दे दिया भाई उसकी लाइफ जिंगल आला आला उसकी लाइफ जिंगल फटाफट 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 बता दो जल्दी जल्दी सिस्टम हैंग कर दो भाई फिर अपना ये फोर्स पूरा निकल जाएगा बस अपने को एरिया निकालना पड़ेगा और प्रेशर निकल जाएगा तो तीनों डायरेक्शन में तीनों डायरेक्शन के अंदर जो स्पीड होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा एक्स वाई जेड तीनों में होगा कि नहीं होगा क्योंकि अब मुझे वी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी फटाफट फटाफट मुझे बताओ मैं देखना चाहता हूं मैं चाहू तो मैं डायरेक्ट लिख दू पर मैं चाहता हूँ अपने बच्चों से मैं पूछूं यार अपने दोस्तों से और मेरे दोस्तों का दिमाग यहाँ होना चाहिए क्योंकि आप यार अपने प्यार हो और प्यार का वार बहुत भारी होना चाहिए सेम सेम क्या बात है शुभम ने बोला ऋतुजा ने बोला शुभम ने बोला कृष्णा ने बोला सब ने बोला मतलब यार जीटी में पढ़ने वाले सब लड़के ना जिंगल बाकी सब सकल का बुम्बू में तो गाइस कहने का मतलब मुझे अब ये फाइन करना है मतलब तीनों डायरेक्शन तीनों डायरेक्शन का एक कॉमन मीन कॉमन वेलोसिटी फाइंड करना है तो मैंने यहां लिख दिया वी स्कोर ऑफ बार मतलब तीनों वेलोसिटी का मीन फाइंड करना मतलब कहने का मतलब एक्स डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन ओके अब देखो तीनों डायरेक्शन में अगर सेम है अगर एक्स के डायरेक्शन में भी स्पीड सेम है वाई डायरेक्शन में भी स्पीड सेम है जेड डायरेक्शन में भी स्पीड सेम है तो तीनों वन प्लस वन प्लस वन तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्स डायरेक्शन के लिए अगर तीनों में सेम है तीनों में सेम है तो डायरेक्ट मैं ऐसा लिख क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं वन प्लस तीनों में स्पीड सेम है इसलिए वन प्लस वन प्लस वन इसको भी मैं एक्स कंसिडर कर लूंगा क्योंकि सेम स्पीड है इसको भी एक्स कंसिडर कर लूं वन प्लस plus... अगर मुझे वी ऑफ वाई फाइन करना रहता तो मैं डायरेक्ट यहाँ वी ऑफ वाई लिखता अगर वी ऑफ जेड फाइन करना तो वी ऑफ जेड लिखता क्योंकि मुझे ऑफ करना है तो क्या हो जाएगा मैंने भी बो, मैंने बोला सर पहले बोला सर क्या बात है यार चलो आपने पहले बोला मैं चाहता हूं कि सब पहले बोले तो भाई अपने पास देखो अभी इक्वेशन नंबर थर्ड ये देखो इक्वेशन नंबर थर्ड अब वी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई अभी थोड़ा और चेंज करेंगे हम लोग यहाँ क्योंकि मुझे वी ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए ऑफ ऑफ का स्क्वायर चाहिए तो ये थ्री को भी हटाना पड़ेगा डिवाइड में तो ये क्या हो जाएगा देखो वी ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल ये थ्री का जाएगा डिवाइड में ओके? Okay, ये देखो ध्यान से देखो बस मुझे ये क्या चाहिए वी स्क्वायर ऑफ एक्स तो ये थ्री को हटाना पड़ेगा तो थ्री डिवाइड में आ गया तो देखोगा वी स्क्वायर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई वन बाय थ्री वी स्क्वायर ऑफ बार तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा इसके जगह ये आ जाएगा तो ये क्या हो गया एवरेज इक्वल ध्यान देना एकदम अच्छे से एन ऑफ एम अपॉन एल ध्यान से देखना अब इसके जगह भी क्या आ जाएगा इसके जगह ये रखेंगे वन बाय थ्री वी स्क्वायर ऑफ बार वी स्क्वायर ऑफ बार x डायरेक्शन y डायरेक्शन z डायरेक्शन ओके okay. आप देखो गाइस अच्छे से अब मुझे बताओ मैं थोड़ा सो सिस्टमैटिक कर देता हूं वन बाय थ्री को मैंने आगे ले लिया एन एम को ऐसे रख दिया अपॉन l ऐसे रख दिया और थोड़ा अच्छा दिखे देखो हम तैयार होते तो अच्छा दिखने के लिए ऐसा मुझे क्या फाइंड करना, करना था मुझे प्रेशर फाइंड करना था और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया सर ने अभी बताया था तो फोर्स का क्या हो गया देखो फोर्स की वैल्यू क्या है वन अपॉन थ्री एन एम अपॉन एल ये देखो 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 प्रेशर का मैंने पूरा लिख दिया अपॉन तो ये ये तो बताओ, बताओ, एरिया क्या होता है इसका एरिया क्या आएगा इसका एरिया क्या आएगा स्क्वायर का एरिया क्या होता एल है एल आएगा ना ये क्या आएगा एल तो फोर्स का मैंने यहां रख दिया और एरिया क्या स्क्वायर तो क्या मैं दोस्तों ऐसा लिख सकता हूं वन बाय थ्री लिखा एन लिखा एल स्क्वायर और एल एल क्यूब हो गया और ये वी स्क्वायर ऑफ बार हो गया देखो एकदम सिस्टम हैंग कर दिया हम लोगों ने सिस्टम हैंग कर दिया सिस्टम हैंग कर दिया और किसी बच्चे ने एक फाइनल आंसर भी दे दिया है बहुत अच्छा लगा मेरे को बहुत अच्छा लगा दिल खुश हुआ अब देखो और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं एनएम फिर से मैं लिखता सेन एम अपॉन ऑफ स्क्वायर बार अब एल क्यूब किसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ना एल इंटू एल इंटू एल मतलब वॉल्यूम मतलब क्या होगा वॉल्यूम तो भाई ये देखो बस अब पूरा मैथ यहां लगा देना है ओके? और याद रखना वॉल्यूम है ये वेलोसिटी है

और मास ऑफ इच मॉलिक्यूल जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई okay? okay? हम करेंगे, करेंगे तो टोटल मास मिलेगा जिसको हम कैपिटल एम लिखते हैं और मास अपॉन वॉल्यूम मेरे दोस्त मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी जो हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं तो ये हो गया हमारा प्रेशर का फॉर्मूला ये देखो तीन टर्म में हमने फाइंड किया मैंने अभी बताया था सबसे देखो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम 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 तो of of momentum, तो रेट ऑफ ऑफ चेंज मतलब डिवाइड टी सबसे पहले मैंने फाइंड किया मोमेंटम को फोर्स में मैंने रखा फिर इसके अंदर टी की वैल्यू फाइंड की टी की वैल्यू मुझे मिली टी की वैल्यू मैंने रखी फिर मैंने टोटल मॉलिक्यूल्स का एवरेज फोर्स फाइंड किया एवरेज फोर्स जैसे ही मुझे मिला मैंने प्रेशर के अंदर पुट किया और प्रेशर के अंदर जैसे पुट किया तो प्रेशर का मुझे ये मिल गया ओके okay? और कोई डाउट और कोई डाउट किसी को अरे हाँ वन बाय थ्री अरे यार इतना तो यार समझ ही सकते हो यार लाइट चमकता है तो थ्री ओके okay? कोई डाउट और कोई डाउट कोई डाउट अब ये देख लो फटाफट बड़। ये फटाफट सिस्टम देख लो सिस्टम और ये बुक के अंदर ना सबसे बड़ा सिस्टम यही है बाकी कुछ ही नहीं बाकी सब लप्पू है बाकी सब लप्पू और मप्पू है समझ में आ रहा है चले आगे ओके आप देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड भी पूछा जाता है इससे रिलेटेड चीजें भी अपने को आती है भाई इससे रिलेटेड आता है तो भाई ये वाला अगर आपको फॉर्मूला पता है यहां तक जैसे मैंने देखो पीछे फिर से ये यह देखो यहां तक ये वाला यहाँ तक अगर आपको याद है ना तो भाई अब रूट मीन्स ये कहा चला गया यार उड़ जाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड कर सकते हो देखो कैसे अपॉन वी वी स्क्वायर बार हो गया अपने को रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करना है ना भाई देखो एकदम झटके में एक झटके में कृष्णा भाई जितने बार पीछे करना चाहो उतने बार पीछे करके देख सकते हो कोई टेंशन नहीं भाई आपके पास यूट्यूब चैनल है

पीवी इक्वल टू आइडल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी आप सभी को पता होगा पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी होता होगा पता है ना तो इस पीवी के जगह पे हम क्या रख सकते हैं हम रख सकते हैं एनआरटी अपॉन एन एम हो गया देन V स्क्वायर ऑफ बार आप देखो गाइस आपने ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा ओके okay, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये आता होगा ना आप लोगों को पता होगा मैंने अपने उसके अंदर लिख के भी दिया नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ओके okay. अपॉन ये देखो एन के जगह एन अपॉन एवोगाड्रो नंबर ये देखो इसके जगह पे आर टी और ये देखो ये क्या देखो एन के जगह पे मैंने रखा है एन अपॉन एन एवोगाड्रो नंबर याद होगा आप लोगों को एवोगाड्रो नंबर कितना होता है चलो बताओ मुझे ये हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड पढ़ा था तो एन के जगह पे हमने क्या रखा एन अपॉन एन ऊपर क्या बचा आर टी और यहां एक और बचा है एन एम अब देखो गाइस देखोगाई दोनों कैंसिल हो जाएगा कैंसिल हो गया वी स्क्वायर ऑफ बार अपॉन एन ऑफ ए इंटू एम ओके अब हम क्या करेंगे हमें तो क्या चाहिए हमें रूट मीन स्क्वायर ओके ओके तो अब मैं क्या करूंगा मुझे क्या चाहिए भाई ये स्क्वायर हटाना है आर एम एस चाहिए ना मुझे यह स्क्वायर हटाना है तो मैं क्या करूंगा दोनों साइड मैं टेकिंग स्क्वायर रूट करूंगा दोनों साइड स्क्वायर रूट करूंगा ऐसा ऐसा सिस्टम हैंग करूंगा ये देखो ऐसा सिस्टम मैंने हैंग किया अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा दोनों साइड ये देखो इस साइड भी लिया तो अगर मैं इस साइड ले रहा हूं तो बोलेगा भाई मैं एक ही साइड थोड़ी दोनों साइड काम रहेगा तो मैं स्क्वायर रूट दोनों साइड में लूंगा और कमेंट बॉक्स में एक चीज चला दो है एवो नंबर इनटू मास ऑफ इच मॉलिक्यूल्स क्या होता है

अपॉन एनो नहीं एमओ अभिषेक होता है क्या एम वो तो आपने डायरेक्ट लिख दिया बेस में वो लिखा है बट उसका मतलब क्या होता है नंबर को जब एम से मल्टीप्लाई करते हैं उसका मतलब क्या वो क्या है कृष्णा एम एकदम बिल्कुल सही है भाई बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है बट ये क्या इसको बोलते क्या है इसको बोलते क्या सब लोग एमओ एमओ लिख रहे हैं बट बोलते क्या है एमओ एमओ नहीं इसको बोलते क्या है एक बच्चे ने अभी तक नहीं लिखा है यार <laughs> शुभम ने भी एम लिखा है कृष्णा ने भी एम लिखा है शुभम चौहान ने भी एम लिखा है भाई not. ए, भाई किसी को नहीं पता है बहुत शॉकिंग है यार मैंने मतलब आप वीडियो देख नहीं रहे हो मतलब आप वीडियो नहीं देख रहे हो मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो मोलार मासुजा ने एक नंबर बोला मोलार मास गैस। मेरे दोस्त इसको मोलार मास ऑफ द गैस मोलार so, मास बोलते हैं क्या बोलते हैं मोलार मास नहीं तो कैसे कर करोगे मेरे लाल तो हो गया ये ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इतने सिंपल तरीके से मैंने करवा दिया ना किसी ने सोची ना होगी हमें ये फाइंड करना सबको इस साइड ले जाओ इस साइड लेके जाओ पी क्या, क्या होता है आर टी होता है पी क्या होता है एनआरटी होता है फिर एन की वैल्यू रखा है एन और एन ऑफ ए तो एन एन कैंसिल हो गया और दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया स्क्वायर रूट लगा दिया तो स्क्वायर रूट हराने के बाद ये वी स्क्वायर कैंसिल हो गया और दूसरे साइड क्या बचा तो आर एम एस क्या आया Under root 3RT upon MO. Clear? तो comment box में में मोलार चला 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 जिसको नहीं पता है प्लीज चला दो चला दो चलो अब इसके बाद में बताओ कितने बच्चों को ये मेयर्स रिलेशन आता है सर अब होगा फिजिक्स में हंड्रेड और जलवा छोड़ तो देंगे क्या बात है चलो 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 फटाफट पड़, फटाफट सीपी माइनस इक्वल टू आर ये कितने लोग को आता है नहीं आता है, तो कोई टेंशन मैं एक सिंपल तरीके से बताऊंगा प्लीज यहाँ कुछ चीजें मैं लिखता हूँ एक अलग तरीका हाँ आपके बुक से थोड़ा अलग तरीके के हिसाब से लिखूंगा जिससे आपको सिंपल हो जाएगा थोड़ा देखो कैसे हीट इक्वल टू एम सी डेल्टा टी ये हमने बहुत पहले पढ़ा था फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पढ़ाते दुर्गा थैंक यू सो मच ये पढ़ा था ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था देखो आज इसी का मैं यूज करूंगा कैसे Q के जगह पे डी क्यू वन लिखूंगा अब मोलार मास इसके अंदर यूज होगा मोलार मास स्पेसिफिक हीट यूज होगा मोलार मास तो मैं मोलार मास अगर दिया हुआ तो एन के जगह एन लेंगे और ये जो सी है यह स्पेसिफिक हीट है तो स्पेसिफिक हीट एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इसलिए यहां सी ऑफ वी लिखूंगा मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है और डेल्टा टी की जगह डी ऑफ टी लिखूंगा देखो बस मैंने इसको लेके इसको चेंज किया है इसका जिंगल आला कर दिया है इसका जिंगल आला किया है अब गाइस अगर मुझे ये करना है, ये करना है, तो ये वाला जो है ये तो, ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू वैसे वन यहाँ नंबर ऑफ मोल कितना लिया वन लिया तो ये ऐसी कैंसिल हो जाएगा यहाँ डी जो है वो डिवाइड में आ जाएगा तो डी क्यू वन अपॉन डी टी ये हो गया अब गाइस अगर मुझे डी क्यू वन की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे हो जाएगा ये दोनों बस मल्टीप्लाई हो जाएगा सीवी इंटू डी ये याद रखना।, CV into DT. ये आप दिमाग में रखना ये आप दिमाग में रखना पहले बोल रहा हूं ये दिमाग में रखोगे ना भाई दिमाग में रखना है मैं चाहता हूं दिमाग में रखो आप लोग जो सिस्टम से मैंने आपको बताया एमसी डेल्टा डी मैंने इतने सारे चेंजेस करके आपको बताया मैं चाहता हूं आप दिमाग में रखो तो अपने पास dq1 की वैल्यू क्या आ गई है c of v into dt ओके okay? अब दोस्तों दूसरी चीज ध्यान देना अच्छे से अच्छे से दूसरा चीज अब फिर से मैं फिर से वैसा ही लिखता हूं आप लोगों के लिए mc डेल्टा t फटाफट हां मुझे एट अ कांस्टेंट प्रेशर फाइंड करना है एज़ अ कांस्टेंट प्रेशर फाइंड करना है एट अ कांस्टेंट प्रेशर फाइंड करना है तो मैं कैसे ही करूंगा फिर से मैं वैसा ही करता हूं दूसरा सिस्टम फाइंड करना है इसलिए वन के जगह टू ले लिया चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको दोनों चीजें अलग अलग दिखेगी पता नहीं क्या हो गया मुझे येलो कलर से प्यार हो गया है क्या ए, ऐसा लिखता हूं तो Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी चलो कमेंट बॉक्स में फटाफट पड़ चलाओ क्या क्या चेंज करेंगे तो Q के जगह पे हम लोग लिख देंगे dQ क्यू टू मोलार है तो m के जगह n आ जाएगा

अपॉन डी टी ओके दूसरे कंडीशन के लिए मेरे लाल अगर मुझे दूसरे कंडीशन के लिए अगर ये फाइंड करना है अगर डी क्यू टू की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे हो जाएगा सी पी इन टू डी टी क्या बात है कोई बताएगा नहीं भाई बच्चे बहुत ज्यादा इसके अंदर कंफ्यूज होते बहुत ज्यादा इसके अंदर कंफ्यूज होते इतना कंफ्यूज होते हैं ना क्या ही बताओ जैसा बता रहा हूं एकदम करते जाओ एकदम सिंपल तरीका अब देखो अब हमारा जलवा स्टार्ट होगा अब हमारा जलवा स्टार्ट होगा तो मैंने दोनों की वैल्यू ला आपको। दी आपको की वैल्यू कितनी है सी -पी डेल्टा टी हो गया लिख दिया अब सुनो मेरी बात एक मेयर रिलेशन ना मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूं तो ज्यादा सीरियस मत लेना नहीं सर इधर ऐसा आएगा सर ऐसा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं अगर मैं किसी भी अगर मान लो किसी कंटेनर में मैं किसी भी चीज को हीट दे रहा हूं तो जो हीट होता है ना वो दो चीजों के लिए यूज हो जाता है एक इंटरनल एनर्जी के लिए यूज हो जाता है और एक दूसरा वर्क करने के लिए वर्क करने के या तो पिस्टन ऊपर जाता है या तो पिस्टन नीचे आ जाता है या एक्सपांड होता है मतलब सिंपल सी बात है जब हम किसी भी चीज को हीट दे रहे हैं अब मान लो मैंने कंटेनर रखा है उस कंटेनर में मैं हीट दे रहा हूं अंदर पिस्टन है ये सभी चीजें ना हम थर्मोडा और मजेदार तरीके से, से सीखेंगे तो मैं नीचे से हीट दे रहा हूं तो दो चीजें होगी पहली बात ये हीट पहला इंटरनल एनर्जी के लिए यूज होगा और पहला इंटरनल एनर्जी के लिए यूज होगा और दूसरा वर्क करने के लिए यूज होगा मतलब ये हीट दो चीजें के लिए यूज होता है एक इंटरनल एनर्जी दूसरा वर्क डन मैं अभी इसके अलावा किसी चीज का आंसर नहीं दूंगा मैंने बोला कि मैं लास्ट दस मिनट आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर दूंगा इसीलिए मैं चाहता हूं मेरे लाल कि आपका ध्यान बस इस पे ही होना चाहिए जिससे आपको भी समझ में आए और मुझे भी मजा आए सर आप ऋतिक रोशन लग रहे मजाक कर रहे हो यार मैं पता है मैं मेरे घर वाले बोलते हैं थोड़ा ये चेहरा वगैरह थोड़ा अच्छे से बना ले लाइव जा रहा है क्योंकि लाइव के लिए लोग इतनी तैयारी करके जाते हैं मस्त एकदम मेकअप वेकअप करके एकदम मस्त मेकअप बॉक्स सामने रखे रहते हैं और मैं और राहुल सर क्या करते हैं बस उठे कपड़ा डाला और टाई पहना खड़े हो गए या तो ब्लेजर डाला खड़े हो गए हम लोग देखते भी नहीं अभी इतना बुरा कंडीशन हो गया है घर वाले चिल्ला रहे की भाई थोड़ा इसको सेट कर सेट कर पर मैं सोचता हूँ अगर मैं सेट करने जाऊंगा तो वहां दो घंटा लगेगा और दो घंटे में अगर मैं बच्चों के लिए कुछ करूंगा तो ज्यादा अच्छा है देखो क्या काम अच्छा होना चाहिए चेहरा कैसा भी हो समझ में चेहरा कैसा भी हो काम अच्छा होना चाहिए बस अपना ये चलो मेरा तो यही लॉजिक है तो गाइस देखो अब मैं इसको चेंज करूंगा पहली बात एट 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 अ अ अ वॉल्यूम वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट कौन सा था अपना ये वाला ये वाला कॉन्सेप्ट था ये वाला अब देखो अगर ये कंटेनर के अंदर मैंने हीट दिया इस कंटेनर के अंदर अगर मैंने हीट दिया हीट देने के बाद ये अगर ये पिस्टन ये जो इसके अंदर का पिस्टन है

क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पिस्टन एक्सपांड नहीं होता वर्क नहीं होता तो इस कंडीशन में यह चीज कैंसिल बस यहां क्या बचेगा इक्वल टू e. यही बचेगा मतलब के, के लिए तो इसके लिए कंडीशन क्या बचेगा हमने इसके लिए डी क्यू वन लिया हुआ है. Okay? और इक्वल टू क्या आ जाएगा ओके डी क्यू वन इक्वल टू क्या सीवी डी टी होता है okay? पूरा का पूरा पूरा का पूरा हीट पूरा का पूरा हीट किसके लिए यूज हो गया पूरा का पूरा हीट इंटरनल एनर्जी के लिए यूज हो गया तो डी इक्वल टू क्या था सीबी डेल्टा टी हो गया ये पहला हो गया अब दूसरा देखो दूसरा कहानी अब दूसरे कहानी के अंदर जब मैंने हीट दिया तो ये पिस्टन ऊपर मूव हुआ एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर मतलब पूरे प्रेशर सेम है बट वॉल्यूम चेंज हो रहा है वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब वर्क हो रहा है तो दूसरे कंडीशन के लिए फिर से मैं आपके लिए ऐसे लिख रहा हूं ऐसे लिख रहा हूं अब दूसरे कंडीशन के लिए क्यू हमने क्या लिया है डी क्यू टू लिया है प्रेशर के लिए ई e की वैल्यू e की वैल्यू देखो ये यह देखो यहां हमने लिखा है ई e की वैल्यू क्या है सीवी डी टी और डी क्यू टू की भी वैल्यू अपने डी क्यू टू की वैल्यू कितनी है सीपीडीटी ओके स्पेसिफिक हीट एट अस्टेंट प्रेशर डी टी इसकी वैल्यू भी है इसकी वैल्यू भी हम रख सकते हैं बट अभी हम ऐसे ही रखते हैं अब गाइस देखो मुझे क्या फाइंड करना है पता है यही तो कहानी स्टार्ट होगा अब मुझे W फाइंड करना है क्या फाइन कर W W मतलब वर्क फाइंड करना है क्योंकि इस कंडीशन के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम चेंज, हो रहा।, चेंज हो, रहा है। मतलब क्या हो रहा है वर्क हो रहा है हो रहा है तो वर्क... अगर मुझे W करना है तो W के लिए मैं यूज करूंगा आइडलेशन पी वीक्वल टू एन आर टी ओके एन आर टी और इस कंडीशन के अंदर फिर से बोल रहा हूं मोल नंबर ऑफ मोल हमने वन लिया है तो एन गायब हो गया अब विथ रिस्पेक्ट टू टी विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या कर दो देखो पी कांस्टेंट है इसलिए P बाहर आ गया प्रेशर कांस्टेंट है ना आपको डेरिवेटिव आता होगा प्रेशर कांस्टेंट इसलिए प्रेशर बाहर आ गया विद रिस्पेक्ट टू टी डिशियट कर दिया और यहां विद रिस्पेक्ट टू टी करूंगा तो डी टी अपॉन डी क्या हो जाएगा कैंसल ओनली आर बचेगा क्या बचेगा आर विद रिस्पेक्ट टू टी करूंगा तो डी टी अपन डी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा डी टी अपॉन डी टी कैंसल हो जाएगा ओनली क्या बचेगा आर अब देखो पी डीवी इक्वल टू ये डी को उधर ले लो तो आर डी हो गया आर डी अच्छा मैंने सब कैपिटल लिया तो इसको भी कैपिटल ही लेता हूँ ओके okay. आप देखो गाइस इसका मतलब ही वर्क होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम प्रेशर इनटू वॉल्यूम ही मतलब वर्क होता है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क होता है और वर्क का फॉर्मूला कितना वर्क की जगह पर हम कितना रख सकते हैं इसका मतलब जब प्रेशर लग रहा है मतलब फोर्स लग रहा है और बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है जब कोई चीज डिस्प्लेस होता है तो वर्क होता है तो वर्क कितना हुआ आर टी डी कितना हुआ आर टी डी तो डब्ल्यू के जगह कितना रखेंगे आर टी डी एंड डी टू की जगह पे कितना रखेंगे सीपीडी तो सी देखो रख रहा हूं देखो यहां रखा है सीपी डी टी इक्वल सीवी डी टी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई आर टी डी अब हम क्या करेंगे हमें प्रूफ करना था ना मैं इसको पूरा रफ कर देता हूँ जो मैंने आपको पहले समझाया अब मैं पहले जो समझाया मुझे फाइनल आंसर चाहिए आप लोगों से अब मुझे फाइनल आंसर चाहिए आप लोगों से मैं चाहता हूँ देखो फाइनल आंसर यही है आप तो बना सकते हो ना इसको इस साइड लेके आओ दोनों में से डीटी कॉमन आ जाएगा दोनों में से डी टी कॉमन आ जाएगा डी टी डी टी कैंसल और क्या बचा क्या बचा सीपी माइनस सीवी इक्वल आर और ये हमारा मेयर्स रिलेशन ये हमारा मेयर्स रिलेशन है खुशी पानी मिलेगा क्या ये हमारा मेयर्स रिलेशन रिलेशन ये है। क्या बोलते हो समझ में एक हार्ट तो प्रदीप सर के लिए बनता है ना दोस्तों क्लियर बस अगर जूल के फॉर्म है तो डिवाइड बाय जी कर दो अगर आपसे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कोई ही पूछे अभी ये जितना हमने किया ये जितनी चीजें की है मोलार स्पेसिफिक हीट किया पर अगर आपसे कोई प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट पूछता है ना तो बस क्या कर देना पता है चलो प्रदीप सर वो भी बता देते बस क्या करना ध्यान से सुनना कुछ सिस्टम करने की जरूरत नहीं है M ऐसे ही रहेगा S C के जगह S आ जाएगा और बस बस क्या करना अब ये ये जो एस लिख दिया ना ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट हो गया ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट हो गया अभी जितना हमने किया मेयर्स रिलेशन हमने किससे किया मेयर्स रिलेशन हमने मोलार स्पेसिफिक किया हाँ चलेगा चलेगा स्टडी ट्यूटोरियल चलेगा वो मैं कैसा है? मतलब सबको करवा रहा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं तो बस आपका मेयर्स रिलेशन बस इतना ही है चले आगे अब गाइस कुछ कंडीशन मोनो एटमिक डायटोमिक एंड पोलियोटोमिक मोनो एटमिक डायटोमिक एंड पोलियोटोमिक मैं एक करवाऊंगा अगर आपका ध्यान होगा ना एक में ही तो आपको दोनों समझ में आए और एक चीज और बोलूंगा आज जो ये चैप्टर मैं करवा रहा हूं तो आज रात को बैठ के दो घंटे का मेरा एक वीडियो है साथ में वो और साथ में ये वाला वीडियो और साथ में मेरा नोट्स जो मैं आपको दूंगा दोनों बैठ के देखना और आज के आज ये चैप्टर खत्म कर देना गारंटी बोल रहा हूं कसम से बोल रहा हूँ आपको नहीं समझ में आया क्योंकि देखो आप शांति से बैठोगे तो और आपको समझ में एक बार और देखोगे तो जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा दो घंटे का मेरा जो वीडियो है मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है वो वीडियो एकदम आराम से देखना अब चलो देखो, के लिए याद रखो, डिग्री हम थ्री लेंगे। यहां सब मैंने बना के दिया नंबर है। तो करते हैं होता है टाइपिंग में ऐसा हुआ है देखो टोटल इन मोल अगर आपको ज्यादा टेंशन आया तो बस इतना याद रखो इतना याद रखो थ्री बाय टू के बी टी एन ऑफ ए इसके लिए फिर इसके लिए डायटोमिक रिजिड बॉडी के लिए रिजिड बॉडी के यहां देखो फाय सेवन लिखा है एक्चुअली है फाय रहेगा फाय और इसके बाद ये सेवन कैसे ये देखो इसके लिए ये बस आप अगर याद रखिए ना देखो अभी एक झटके में एक झटके में करेंगे हम लोग एक झटके में देख लेना अभी मैंने क्या बोला यहाँ रिजिड बॉडी के लिए फाय बाय टू के बी टी एन ऑफ ए ये इतना याद रखो देखो अभी एक झटके में फाइन कर लोगे अभी देखो बताता हूं मैं बस एक ही बताऊंगा अगर आपका ध्यान रहा ना कसम बोल रहा हूँ आप होने के बाद इसमें अगर आपके बाद दिल में थोड़ा भी प्यार होगा ना पक्का हार्ट चला दोगे सर मजा आ गया सर मजा आ गया सर नहीं समझ में आया था ये डायटमिक पोलियोटमिक सर दिमाग में ही नहीं बैठा था सर मैं बोल रहा हूँ ये जब मैं अभी करवा दूंगा ना पक्का अगर समझ में आया तो दिल से हार्ट चला देना पहले मैं बता देता हूँ फिर नॉन रिजेट के लिए बस ये आपको याद रखना बस ये याद रखो यहाँ मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है बस ये याद रखो आपका काम हो जाएगा तो चलो मैं एक करवा देता हूँ पोलियोटेमिक का भी मैंने आगे दिया है देखो बस एक ही करवाऊंगा मैं एक ही ध्यान देना एकदम 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 फोकस एक फोकस एक फोकस ही होगा समझ में आया तो बस ऐसे बजा दो ऐसे बजा देना चलो तो भाई अभी हमने एक चीज पढ़ा था ये जो कॉन्सेप्ट है ना मोनो एटेमिक इसको हमें वॉल्यूम पे करना है और एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए सर ने अभी एक फॉर्मूला बताया, बताया था और क्यू इक्वल होता, e होता, होता है E के तो Q की जगह मैं E भी लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकते हो सर अब इस वैल्यू e देखना अभी इस E की वैल्यू के लिए क्या है ये देखो यहाँ है डायरेक्ट मैंने बोला ये याद कर लो इतना इतना नोटंकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो इस ई की वैल्यू क्या थ्री बाय टू जैसा मैं करवा रहा हूं प्लीज वैसा करो भले आपके लोगों ने कैसे कैसे सिखाया होगा एक झटके में समझ में आ जाएगा देखो आप थ्री बाय टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा बोल्टमेन कॉन्स्टेंट ये भी बाहर आ जाएगा अब देखो डी ये देखो डी टी अपॉन डी टी कैंसल क्या बचा ऑनली एन ऑफ ए बचा ध्यान देना एकदम अच्छे से थ्री बाई टू बाहर आ गया के भी बाहर आ गया कॉन्स्टेंट है अब डी टी अपन हो गया और नंबर भी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया अब तो मतलब सीवी की वैल्यू क्या आ गई ये आ गई अब एक और चीज आपको पता होगा बोल्ड में कॉन्स्टेंट एवोकोड और नंबर अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आर मिलता है क्या मिलता है आर मिलता है तो मैं इसके जगह पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं आर लिख सकता हूं तो ये हो गया हमारा सीवी की वैल्यू

आप लोगों को पढ़ाने में ना भले मैं बहुत थका हुआ लोग बस बोलते हैं ना भाई हम इतने सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ना इतने थके हुए इंजीनियरिंग डिप्लोमा समझ सकते लोग एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मेरा ये दर्द हो रहा है वो दर्द हो रहा है मैं वर्कआउट भी करता हूँ जिम भी करता हूँ इतने घंटे ऑफलाइन बैच ऑनलाइन बैच आपने ऐप आप पे लेक्चर्स यहाँ लेक्चर वहाँ लेक्चर फिर भी फिर भी कसम का के बोलता हूँ ना तो मैं पढ़ा रहा हूँ दिल से बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मतलब मैं मजे से पढ़ा रहा हूँ एकदम ऐसा नहीं कि भाई दुखी यार अरे यार अपने को लेक्चर लेना ऐसा कुछ नहीं दिल से बहुत मजा आ रहा है पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है अपने को तो बहुत आ रहा है अपन दिल खोल के बढ़ाते हैं भाई ये देखो तो ये देखो अब मुझे स, मैंने सीवी की वैल्यू फाइन कर ली अब सीपी कैसे फाइन करूंगा बस ये माइनस थ्री बाई टू आर इक्वल की इस साइड आ जाएगा तो इस साइड ऑलरेडी आर है इक्वल की इस साइड आएगा तो ये थ्री बाई टू आर हो गया थ्री बाय टू आर हो गया तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो टू इधर जाएगा तो थ्री और टू कितना फाइव फाइव बाय टू आर ये देखो अपने को अपने को मिल गया सीवी बी और अपने को मिल गया सीपीबी और कभी कभी ये दोनों का रेशियो मतलब गैमा भी फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो सीपी अपॉन सी वी सीपी की वैल्यू कितनी है फाइव बाय टू आर की वैल्यू कितनी है थ्री बाय टू आर ई गया ई e गया ई e गया ई e गया

मैंने अभी बताया एट ए कॉन्स्टन्ट डी क्यू बाई डी टी इसके जगह पे ई e आ जाएगा ई e की वैल्यू कितनी दी है ई की वैल्यू कितनी दी है फाइव बाय टू के बी टी एन ऑफ ए की जगह रख दिया देखो फाइव बाई टू बाहर आ जाए के बी बाहर आ जाएगा डी टी बाय डी टी कैंसल हो जाएगा

तो मैंने आप सभी को ऑलरेडी ये वैल्यू दिया हुआ है ज्यादा टेंशन नहीं लेने का बस ये वैल्यू याद कर लेने का काम हो जाएगा ओके और इस तरह से हमारा दो पार्ट है इसके अंदर कानेटिक थे ऑफ गैसेस खत्म हो गया अब रेडिएशन का रेडिएशन के पार्ट में कुछ नहीं है रेडिएशन के पार्ट में कुछ नहीं है कैसे कुछ नहीं है चलो बताते हैं सबसे पहले गाइस देखो एक रिलेशन प्रूफ करने के लिए आता है पता क्या ये ये प्रूफ करने के लिए आता है, ये प्रूफ करने के लिए आता है तो कुछ नहीं कोई टेंशन नहीं देखो जब किसी भी बॉडी पे हीट इंसिडेंट होता है तो कुछ हीट को एब्जॉर्व कर लिया जाता है कुछ हीट उस बॉडी में से ट्रांसमिट हो जाती है और कुछ हीट उस बॉडी पे आने के बाद देखो एक बॉडी है जिस पे हीट आया तो कुछ हीट इसने एब्जॉर्व कर लिया कुछ हीट ट्रांसमिट हो गई और कुछ हीट क्या हो गई रिफ्लेक्ट हो गई ओके तो कुछ हीट क्या होगी रिफ्लेक्ट हो गई तो ये तीन चीजें होती है ओके? अब मुझे ये आता है प्रूफ करने के लिए तो पूरे इक्वेशन को ये क्यू मतलब टोटल अमाउंट ऑफ हीट मतलब जितना हीट इस पे इंसिडेंट हुआ है तो पूरे बॉडी को टोटल अमाउंट ऑफ हीट से क्या करो डिवाइड कर दो कर दिया ई गया कैंसिल डेफिनेशन भी बना सकते हो चलो अभी डेफिनेशन बताता हूं मैं क्यू ऑफ ए अपॉन ए कोई कोफिशेंट ऑफ ट्रांसमिशन क्यू टी अपॉन क्यू क्या होता है कोफिशेंट ऑफ ट्रांसमिशन और कोफिशेंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया प्रूफ एक झटके में एक झटके में हो गया भाई एक झटके में सिस्टम एक झटके में हैंग हो गया समझ में आ रहा है और यही चीज है अगर आपको कोई पूछे कोई पूछे तो बताना हम आए थे देखो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई फटाक से बताओ कोई ऑफ एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन तो कुछ नहीं करने का ऐसा ये बस याद रखे रहोगे अगर ये आप याद रखे हो तो काम हो जाएगा काम बिल्कुल हो जाएगा क्या बोलोगे इट रेशियो ऑफ ऑफ क्वांटिटी हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी टू क्वांटिटी ऑफ हीट टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी ये है एब्जॉर्ब और ये है टोटल अमाउंट ऑफ हीट हो गया डेफिनेशन दूसरा कोई अगर आपसे पूछे कोई पूछे कि रिफ्लेक्शन कोइफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन तो बस यहाँ क्यू ऑफ आर अपॉन क्यू टोटल अमाउंट ऑफ हीट अमाउंट ऑफ हीट अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट बाय बॉडी अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट बाय बॉडी टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी ओके क्लियर अब चलो एक और चीज मुझे इसमें बताना था आई थिंक एक मिनट रुको आ, इसके अंदर हाँ ये कुछ कुछ डेफिनेशन है ये देखो फटाख से फटाफट फटाफट और ये अब ये तो मैंने बता दिया आपको डाया दा, डायाथर्मस डायाथर्मस मतलब जिसके अंदर से हीट जिसके अंदर से हीट पास हो सके उसको डायाथर्मस बोलते हैं जिसमें से जिस सब्सटेंस के अंदर से हीट पास हो सके उसको क्या बोलेंगे डायथर्मस और अथर्मस मतलब जिसके अंदर से हीट ट्रांसमिट नहीं हो सके उसको बोलेंगे अथर्मस जिसमें से हीट पास हो जाए उसको बोलेंगे डायथर्मस जिसमें से पास ना हो उसको बोलेंगे हम अथर्मस हो गया भाई क्या है कुछ भी नहीं अब आगे चलो ये देखो ओपेक मतलब आपको पता है कि जिसके अंदर से कोई रेडिएशन पास ही नहीं होता उसको ओपेक बोलते हैं अब परफेक्ट एब्जॉर्वर किसको बोलेंगे जिसमें से जिसका मतलब 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 आप आपको अभी अभी मैंने बताया था ना, ना, अपना हुआ ना, equal to one. तो तो मतलब जो पूरी तरह से हीट को करे, ये तो ये बाकी, ये बाकी मतलब में से हीट ट्रांसमिट हो जाना मेरे में से हीट पास हो जाना ट्रांसमिट हो जाना ट्रांसमिट हो जाना तो इस एब्जॉर्वर में हीट ट्रांसमिट नहीं होगा तो ये जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा तो एब्जॉर्वर का आएगा वन ही आएगा ना यार कौन सी बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ा चीज बता रहा हूँ पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहा है।, रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर तो। बड़ा -बड़ा है।, है बच्चों को बिना मतलब डरा के रखा गया इतना हार्ड है इतना डिफिकल्ट है अगर नहीं पड़ेगा तो ऐसा हो जाएगा आतंक आ जाएगा ये हो जाएगा वो पता नहीं क्या करके रखा है यार पूरा मार्केट ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर भाई इक्वल टू वन आएगा और बाकी सभी वैल्यू जीरो हो जाएगी और जिसमें से पूरी लाइट ट्रांसमिट हो जाती है पूरी की पूरी ऐसे तो बोलू सही प्रैक्टिकली बोलू तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बट हम ऐसा एक मतलब एक आइडियल बॉडी ले, ले लेते हैं कि जिसमें से बॉडी पूरी तरह से क्या हो जाए ट्रांसमिट हो जाए समझ में आए कुछ भी है। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी मैंने आप सभी को बताया ये कॉन्सेप्ट आप सभी को पता भी होगा और देखो सिंपल सी बात है कि एक चीज याद रखना जो जितना जितना ज्यादा जो जितना ज्यादा हीट को एब्जॉर्व करता है उतना ही तेज हीट को एमिट करता है मैं जितना ज्यादा खाऊंगा जितना ज्यादा खाऊंगा उतना ज्यादा वॉमिटिंग करूंगा मतलब कहने का मतलब यह है जो गुड एब्जॉर्वर होता है वो गुड एमिटर भी होता है एमिट भी अपने में से करता है मैं रिफ्लेक्टर नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं जो गुड एब्जॉर्वर होता है जो गुड एब्जॉर्वर होता है वो गुड एमिटर भी होता है समझ में आ रहा है यहां लिखा हुआ देखो पॉइंट मैंने स्पेशल पॉइंट लिखा हुआ है समझ में आया और गाइस एक चीज जितना हीट एब्जॉर्ब होगा उतना हीट क्या होता है एमिट होता है ये अभी हम क्रिच लॉ में प्रूफ करेंगे और जो पुअर ऑब्जॉर्वर जो हीट को एब्जॉर्व ही नहीं कर रहा है सब मान लो ये बॉडी है ये सिंपल एर कॉन्सेप्ट समझने वाला है अगर ये बॉडी ने हीट को एब्जॉर्व ही नहीं किया मतलब क्या किया रिफ्लेक्ट किया है ना तो इसने हीट को एब्जॉर्व नहीं किया तो ये पुअर ऑब्जॉर्वर हो गया और ये क्या गुड रिफ्लेक्टर लाइट आते इस पर रिफ्लेक्ट हो गई एमिट मतलब करने के बाद एमिट होता है इस इस बॉडी ने हीट को एब्जॉर्व ही नहीं किया तो मतलब पुअर ऑब्जॉर्वर है कौन सी बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ पुअर ऑब्जर्वर जो पुअर ऑब्जर्वर है मतलब वो पूरी की पूरी लाइट को क्या कर रहा है रिफ्लेक्ट कर दे रहा है कौन सा बहुत बड़ा तीर मार रहा हूं मैं कोई बड़ी चीज नहीं है भाई बस दिमाग लगाओगे ना यार बहुत टैलेंटेड हो आप लोग समझ में आ रहा है बस आप लोगों को ना ऐसा दिखने में डाल के रखा है कि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है बहुत लप्पू सी चीजें है सब लप्पू सी मतलब बोलोगे सर आज पता चला कि ये क्या है कुछ नहीं है यार कुछ नहीं मैंने ना मतलब बच्चों को परेशान करके रखा है अब देखो ये देखो एक चीज याद रखो ये वाला ये ये देखो ये वाला अगर फेरेस ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट आता है तो ये वाला डायग्राम बनाने का अंदर हमने अंदर हमने लैम ब्लैक लैम ब्लैक इस तरह से इसके ऊपर कोट किया हुआ है और लैम ब्लैक क्या करता है उसके ऊपर जो हीट आता है

फेरी बाबा ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर किया था कि ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा हीट को क्या करती है एब्जॉर्व करती है तो ये जो हीट यहां आई यहां जो सरफेस है लैम ब्लैक इस पर रिफ्लेक्ट हुई रिफ्लेक्ट होकर 97 परसेंट ऑफ हीट को इसने एब्जॉर्व किया फिर से फिर से यहां रिफ्लेक्शन हुआ फिर से इसके जो तीन बचा है तीन का फिर से यहां तीन किस तरह कंसिडर होगा नाइनटी की तरह फिर से वहां उसका कुछ हीट एब्जॉर्व होगा ऐसे ऐसे बार बार हीट एब्जॉर्व होगा और फाइनली रिजल्ट ये आएगा कहने का मतलब ये होगा इनका ये एक्सपेरिमेंट यही बताना चाहते हैं कि जो अंदर का ब्लैक बॉडी है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को क्या करता है एब्जॉर्व करता है कंपेयर टू अदर बॉडीज कंपेयर टू अदर बॉडीज समझ में और ये मैंने पूरा इसके अंदर लिख के दिया है आप देखो गाइस इमिसी पावर बस ये याद रखो इमिशन टाइम कितना हो रहा है साढ़े आठ हो गया ये बस याद रखो ये मतलब है ये हमारा रेडिएंट हीट है जो हीट एमिट हो रहा है तो रेडिएंट हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इमिसिव पावर जो बॉडी जितना मतलब मेरे बॉडी में से जितनी हीट एमिट हो रही है ये कॉन्सेप्ट है मेरी बॉडी में से कितना हीट एमिट हो रही है वो इस फॉर्मूले से डिसाइड की जाती है

तो आपको अभी मैंने बताया था ये इमिसी पावर है ये ओनली आर लिखा हुआ है बॉडी का ऑर्डनरी बॉडी मतलब एक ब्लैक बॉडी होता है और ब्लैक बॉडी को छोड़ के बाकी जितना बचता है उसको ऑर्डनरी बॉडी बोलते हैं देखो आज ये डेफिनेशन भी समझा रहा हूँ मैं समझ आज टाइम है थोड़ा बहुत जब तक राहुल सर दस पंद्रह मिनट ले लेते हैं और समझ में आ रहा फिर बाकी जो चीजें होगी आपको मैं होमवर्क में दूंगा तो आर आर मतलब ये हमारी ऑर्डनरी बॉडी है और ये जो है ये हमारी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये जो मिलेगा ये होगा कोई ऑफ इमिशन इसको कैसे डिफाइन करेंगे कोई ऑफ इमिशन इज डिफाइन एज इमी पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू मिसी पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी खत्म नहीं तो यार गाइस दो चीजें मेरे उससे ही कर ले है। बस दो चीज है यार दो तीन चीज है और वो अब मेरे दो घंटे के जो वीडियोस देखने के लिए बोला है उससे कर लेना क्योंकि अब फाइनली राहुल सर का भी लेक्चर है तो राहुल सर को यहाँ सेटअप करना पड़ेगा बस तीन ही टॉपिक बचा तीन टॉपिक मुझे लगता है मेरे 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 लिए मेरे ही वीडियो से, मेरे वीडियो से 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 करना है बहुत सिंपल तरीके से दो घंटे की वीडियो में देखना है आपको एक क्रिच ऑफ बचा हुआ है एक बस को बोल रहा ना बस ये फॉर्मूला ये देखो बस ये ये बस याद करो और इसका बस ये याद करो आर मतलब अभी मैंने बताया इमेस यू पी मतलब अभी बताया एप्सोलूट टेम्परेचर फोर्थ पावर ऑफ एब्सोलूट टेम्परेचर यहीं खत्म हो गया समझ में दिमाग से पढ़ो इमीसी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर पावर ऑफ एप्सुलट टेम्परेचर खत्म ख़त्म। बस मतलब अब आप, आपको दो ही चीज देखना है समझ में हाँ, अब थोड़ा बात करते हैं आपसे खुशी पानी पानी बॉटल में नहीं हाँ, कैसा लगा कैसा लगा कैसा लगा, कैसा लगा? हाँ मेरे चेहरे का मत बोला भाई इस समय चेहरा बहुत खराब कंडीशन में है और मैं मेरा इस समय यही बोर्ड कि बोर्ड एग्जाम में मैं जितना क्योंकि पता है दुकान पे जाऊँ दो घंटा बैठना पड़ता है फिर वो फिर पूरा तैयार करता है वो बहुत अच्छे से फिर उसमें दो घंटा और मुझे तो सबसे ज़्यादा ना इस समय जब से मैं टीचिंग लाइन में आया हूँ ना सबसे ज़्यादा बेकार मुझे काम वही लगता है वहाँ दो डेढ़ घंटा जो बैठ के एक घंटा बैठना पड़ता है ना वैसे अपना सिस्टम है अपने को डायरेक्ट अपना नंबर लग जाता है क्या बात है राजू अपना नंबर डायरेक्ट लग जाता है फिर भी यार वहाँ अपने को एकदम दो घंटे तैयार करता है ऐसा लगता है कि फिर से शादी करने जा रहा हूं एक चीज बोलू देखो थोड़ी दिल की बातें बोलूंगा जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं देखो हम ना इस समय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा रहे हैं हम बस ये नहीं कर रहे हैं कि मैं अगर दो ढाई घंटा पढ़ाऊंगा ना यार मेरे चैनल का बहुत ज्यादा ही आएगा मेरा इस समय है ना भाई बहुत कम से कम टाइम आपकी बहुत सारी चीजें हो जानी चाहिए और आपने देखा कि इस समय एग्जाम पॉइंट जो पढ़ने वाला लड़का होता है ना वो इसी तरह से काम करता है या जो दिमाग से काम करता है वो इसी तरह से काम करता है तो हमारा भी टारगेट उसी सोच की वाइज होता है कि अभी बोर्ड एग्जाम चल रहा है अगर आप तीन तीन चार चार घंटे दो दो ढाई ढाई घंटे चार घंटा एक वीडियो बस सुन रहे हो सुन रहे हो तो कोई मतलब नहीं है बिल्कुल मतलब नहीं है तो हम उसके लिए दिन रात आपके लिए कर रहे हैं पर आज मैं बोलूंगा देखो बच्चों का हाल देखो आराम से सब और बाद में अगर यही मैं लेक्चर बंद कर दूं तो मुझे कमेंट करते रहेंगे कि सर आप लेक्चर नहीं ले रहे हो लेक्चर नहीं ले रहे हो देखो कितना मेहनत लगता है वीडियोस पूरे ये आप समझ सकते हो आपके लिए हो सकता है ये पंद्रह मिनट आधे घंटे का वीडियो हो एक घंटे का वीडियो पर आपको छोटा कर दे मतलब आपकी पढ़ाई सिंपल हो उसके लिए आपके सर कितना मेहनत कर रहे हैं ना हर सेक्टर मैं बोल रहा हूँ एक सब्जेक्ट नहीं हर जितनी भी चीजें आ रही है ना सभी के लिए हम ही लोग मेहनत कर रहे हैं हम ही लोग मेहनत कर रहे हैं देखो देखो और एक चीज और बताओ सीरियस बात मेरे घर में मेरे दोनों छोटे ना बहुत बीमार हैं बट तो आप लोगों को अभी देखो अभी आए बिल बचा होगा आपको सुनाई दिया होगा मैं धीरे ही बोल रहा हूँ दोनों बीमार है बट मैं लेक्चर लेना था इसलिए मैं आपके लिए रुका वो अकेले हॉस्पिटल उनकी मम्मी के साथ बस गए समझ में ऐसा पापा हूँ मैं समझ में मेरे को पता है बट बर... मैंने आप लोग से वादा किया है इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी है बट इस समय मुझे ऐसा लगता है कि चलो वो तो कैसे न कैसे हो जाएगा बट आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा इसीलिए मैं इधर खड़ा हूँ समझ में आ रहा है तो मैं ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाता कि मैं कि मुझे ये करना है वो करना है पाठक आरो वो डोर बंद करो ओके okay? अब मैं जितना इसके अंदर पढ़ा कर ये आपने पढ़ लिया ना भाई एग्जाम फोड़ के आओगे कुछ भी अलग नहीं आएगा फोड़ के आ जाओगे एग्जाम एग्जाम फोड़ के आओगे जितना मैंने पढ़ाया ना अगर आपने पढ़ लिया है नोट्स अच्छे से पढ़ लिया ना एग्जाम फोड़ के आओगे समझ तो में आ रहा एकदम आग लगा के आ जाओगे बस यही बोलूंगा कि चैनल लोगों तक पहुंचाओ बताओ कि कहीं हमारा कॉन्फिडेंट न गिर जाए क्योंकि देखो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम रहता है मोटिवेशन आप लोगों के कारण ही आता है और बस यही बोलूंगा और क्या ही ज़्यादा बोलूं कि अगर हम हर चीज़ें सोच के आपके लिए खड़े हैं तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों तक तो पहुंचाओ क्योंकि देखो अच्छी चीज़ें पहुंचने में लोगों तक तो टाइम लगता है बिना मतलब की चीज़ें बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है पर अच्छी चीज़ें बहुत और कब पछतावा होता है थोड़े दिन के बाद देखो आगे जाके इंजीनियरिंग में बीएससी में सब हमसे ही पढ़ना है नहीं चाहोगे फिर भी पढ़ना पड़ेगा हमसे ऑप्शन ही नहीं है पता है समझ में कृष्णा जो मैंने दिया बस इसको इसको करके आप इसको भगा भगा के सुन लोगे ना या घंटे का जो मेरा वीडियो इसको भगा भगा के 1.5 की स्पीड में सुन लोगे ना तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा रिवीजन के लिए अगर आप तीन तीन घंटे चार चार घंटे एक एक चैप्टर को लेके बैठे हो ना बस टाइम पास कर रहे हो सच बोल रहा हो कितना टाइम बचा हुआ है उस वाइज हमने चीजों को अरेंज किया है पता है राहुल सर मैं मिलके सभी लेक्चर्स को इवन हम लोग बहुत सारी तैयारी और कर रहे पर अगर ऐसा मोटिवेशन होगा तो थोड़ा काम करने में मजा नहीं आएगा समझ में आए यह तो बात मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला अभी बोल रहा हूँ कि ऐसा अगर रहेगा तो काम करने में मजा नहीं आएगा हमने बहुत सारी चीजें सोची कि आपके लिए हर चैप्टर को छोटा छोटा करके दे जिससे आप आपके लिए सिंपल हो आपका टाइम बचे हमारा टाइम भले जा रहा है पर आपका टाइम बहुत बचे तैरना ऐसे मतलब अभी सुबह से क्योंकि जिम मेरे दो घंटे दो ढाई घंटे का मैं जिम करता हूँ वर्कआउट मिनिमम डेढ़ घंटे का तो वर्कआउट मेरा होता ही है फिर सुबह इंजीनिंग के लेक्चर रिकॉर्ड करना फिर टेंथ के लेक्चर ट्वेल्थ के लेक्चर इलेवंथ के लेक्चर फिर ऑफलाइन बैच के बच्चों का सब कुछ सब कुछ मैं बैलेंस करता हूँ अपने किसी काम में कमी नहीं करता ना बस घर वालों के काम में कमी करता हूँ चलो बाय और जो होमवर्क दिया है मैं ऐसा मानूंगा कि आप लोग जरूर करोगे और जाके नीचे कमेंट करोगे कि सर हमने पढ़ाई आज की है और प्लीज जितना हो सके लोगों तक तो पहुंचाओ और भाई इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट के टाइम इतनी भीड़ लगा के लोग आ जाते हैं क्या ही इंपॉर्टेंट करोगे भाई जब आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है पढ़ के ही नहीं हुआ है तो इम्पोर्टेंट लेके क्या करोगे बाद में एग्जाम ही ख़राब जाएगा समझ में रहा ऐसा हाल होता है इम्पॉर्टेंट इम्पोर्टेंट मैं भी लेके बैठे रहते हो जो समझा रहा है जो पढ़ा रहा है साल भर गिरी टूर पे साल भर पढ़ाया हूँ पता है चैनल पे मैंने साल भर पढ़ाया है आप जाके इस पे आ, क्या नाम है ये अब टेलीग्राम पे मैंने भेजा है ये नोट्स आपको मेरे ऐप आप पे मिलेगा साल भर मैंने गिरी टूरल पे पढ़ाया लोग बस लास्ट में आके इधर उधर के, के ड्रामा मैंने पूरा साल भर सिस्टम से पढ़ाया है चलो बस शेयर कर देना कितने साल का करना है शबनम बस अगर आप जितना अगर आप देखो हमारा नोट्स भी बस पढ़ लोगे तो काफ़ी है बट आपको क्वेश्चंस देखने के क्वेश्चन कैसे टाइप के आते हैं तो उत्तम करो उत्तम में जो क्वेश्चंस दिए वही वही कर लो हो जाएगा पर नोट्स हमारा प्रेफर करो आपको बहुत हेल्प होगा पहले बता रहा हूँ बाकी आपकी चॉइस हाँ बस ये फ्री में मिल रहा है तो हो सकता है इसकी कदर ना हो फ्री में मिल रहा है तो हो सकता है इसकी गदर रहा हो मैं आप चाहूंगा कि लेक्चर के बारे में इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा कि कमेंट पढूं तो थोड़ा उससे मोटिवेशन आए चलो बाय